हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षित। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्स फॉर ईपीएफओ एग्जाम जो कि अक्टूबर में होने वाला है। फॉर दैट पर्पज आई ब्रिंग यू दी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, एंड एंटोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स हैविंग द ऑपोजिट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, लव, हेट एंड सिनोनिम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं लव एंड इमोशंस। लव is also emotion, emotion are emotions, okay? So let us start with our session. So the first word is repercussions. Repercussions are the effects of a certain thing we do. अगर कोई मैं चीज़ कर रही हूँ, उसके जो consequences हो रहे हैं, उनको हम repercussions बोलते हैं। Consequences भी बोलते हैं, लेकिन repercussions, we use this term when we have to show something जो कि negative impact कर रही, एंड शायद से स्टार्टिंग में जब मैं वो वाली चीज कर रही थी, मैंने उसको देखा भी नहीं था, उस वाले इफेक्ट को। द इफेक्ट विच इज अनफोरसीन इज कॉल्ड रेपरकशन। ओके, इसकी पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं। एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, स्पेशली एन अनवेलकम्ड वन। द रिकॉयल ऑफ समथिंग आफ्टर इम्पैक्ट। रिकॉयल मतलब कि याद करना किसी चीज को विद फियर, रिग्रेट एंड गिल्ट, रिकॉयल करना। ओके, एंड ऐसा इम्पैक्ट था, ऐसा इफेक्ट था, ऐसा कॉन्सिक्वेंस था जो कि हमें नहीं चाहिए था, लेकिन आ गया। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉरेस्ट्रेशन के इफेक्ट्स क्या थे? हमारी आधी से ज़्यादा जो भी स्पीशीज थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, हमारी इकोलॉजी बदल गई, हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ गई। ये सब के सब क्या हुए थे? डिफॉरेस्ट्रेशन के रिपरकशंस हो गए थे, अभी भी हैं, एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम दैट थिंग टिल नाउ। तो इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे इफेक्ट, आउटकम, बाय प्रोडक्ट, इको। बाय प्रोडक्ट मीन्स कोई भी चीज़ है उसका जो साथ में ही एक और लाइक एक्सक्रीशन वाला प्रोडक्ट निकल जाए, उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मेकिंग पनीर फ्रॉम मिल्क, तो जो वे वे रह जाएगा, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, दैट इज नॉट द मेन प्रोडक्ट। वो साथ में आ गया, दैट्स अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। इसके जो एंटोनिम्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे मोशनलेस। वाई? बिकॉज किसी भी चीज का इफेक्ट होने के लिए वो वाली चीज इम्पैक्ट में होनी जरूरी है, तभी उसके कोई आफ्टर इम्पैक्ट आएंगे। स्टे इन अ प्लेस, सेम, अगर कोई चीज एक ही जगह पे है, कोई चीज वो मूव ही नहीं कर रही है, दैट इज मोशनलेस, दैट इज पॉइंटलेस, तो उसका कोई आफ्टर इफेक्ट ही नहीं हो रहा। एक्सेप्ट, ओके, ठीक है, हमें पहले से ही पता था कि ये वाला कॉज होने वाला है, तो हमने पहले से एक्सेप्ट करके रखा हुआ था, तो दैट वोंट बी कॉल्ड अ रेपरकशन, दैट विल बी कॉल्ड अ कॉन्सिक्वेंस ओनली। इनइलास्टिसिटी मीन्स कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा हम उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम बिल्कुल भी छू नहीं सकते हैं, दैट्स अ इनइलास्टिक थिंग। एंड रिपरकशंस आर ऐसी चीज़ें जो कि डायनेमिक बिहेवियर की वजह से आई हैं हमारे पास। ओके, उनके वाइडनेस की वजह से आई है, क्योंकि हम लोगों की इतनी ज्यादा दूरदृष्टता ही नहीं थी कि हम वो वाला एक पॉइंट देख पाए। लेट अस सी द यूज इन सेंटेंस। देयर आर सीरियस रेपरकशंस ऑन हिज करियर। कोई उसने एक कदम उठाया होगा जिसकी वजह से उसके करियर पे अभी तक रेपरकशंस है। लाइक ही डिसाइडेड टू नॉट टू गो टू अ कॉलेज, शायद से उसका रेपरकशन, उसका आफ्टर इफेक्ट, उसका बाय प्रोडक्ट, उसके गलत इफेक्ट अभी तक उसके साथ है, उसके करियर पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस इज यूज ऑफ हार्श और बिटर लैंग्वेज। अगर मैं किसी के साथ लड़ते हुए या किसी को पढ़ाते हुए आई एम यूजिंग अ हार्श लैंग्वेज, मैं गुस्से में गालियां दे के बात कर रही हूँ, दैट्स अ एक्रिमोनियस बिहेवियर, एक्रिमोनियस इफेक्ट ऑन द पर्सन आई एम टॉकिंग टू। बींग अ टीचर, आई एम स्कोल्डिंग अ चाइल्ड, तो उसके ऊपर एक्रिमोनियस इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर हार्श इफेक्ट पड़ेगा। ओके, लेट अस सी सम ऑफ द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में आ जाएगा बिटर, कॉस्टिक, सार्केस्टिक, हार्श। ओके, एंटोनिम्स में आ जाएगा काइंड, एग्रीएबल, पीसेबल, प्लेजेंट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं। बीसीसीआई मार्क्ड अ क्लोजर to Anil Kumble's acrimonious episode by clearing his due. Anil Kumble का एक बहुत famous ये बोल सकते हैं एक episode हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो BCCI ने clear करवा दिया था।
ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडेंसी. एक्सपीडेंसी इज अ टास्क और अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन कि वो इंसान अपने अकॉर्डिंगली अपनी कन्वीनियंस और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करता है. एंड ज़्यादा इसका जो झुकाव होता है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ होता है रादर देन बीइंग मॉरली करेक्ट. मॉरली करेक्ट इमोरल भी हो सकती है चीज़ एंड सिर्फ और सिर्फ उसको बेनिफिट देगी. फॉर एग्जाम्पल टैक्स इवेजन इज इमोरली इट्स इमोरल. वो एक गलत काम है लेकिन काफ़ी लोग करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग सम मनी. ठीक है, थोड़े से पैसे बचाने के लिए दे इवेड टैक्स, वो टैक्स का घोटाला करते हैं. सो सम ऑफ द सिनोनिम्स आर सूटेबल बेनिफिट कन्वीनियंट. एंटोनिम्स आ जाएगा ऑल्ट्रिज्म एक्सपीडेंसी अनसूटेबल. ओके, ऑल्ट्रिज्म इज समथिंग वी डू फॉर अदर्स और वी कैन से सेल्फलेसनेस. यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं. इट सीम्स पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी रादर देन एब्सोल्यूट इकोनॉमिक नीड विल डिटरमाइन हु गेन्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट. एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसका एक डिसीजन लिया जा रहा है. ओके, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, पॉलिटिकली प्रॉफिटेबल है, लोगों को दिख रहा है, एंड इकोनॉमिकली दैट इज डिवेस्टेटिंग, वो गलत है, लेकिन फिर भी वो लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स. सो द नेक्स्ट वर्ड इज टेंट. टेंट मीन्स अनजेनरस. हम किसी इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम किसी काम के लिए भी यूज कर सकते हैं, या हम किसी नेचुरल रिसोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. कि अगर हमने फार्मिंग करी और हमें उसका आउटकम काफी कम मिला तो हम उसके लिए भी यूज कर सकते हैं ये वाली चीज. किसी भी चीज के लिए जिसका हमने इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट या फिर हमने सोचा होगा कि उसका जो आफ्टरवर्ड हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो ज्यादा है बट वो कम हुआ, देन वी कैन यूज द वर्ड टेंट. लेट अस रीड द मीनिंग. सप्लाई अ वेरी अनजेनरस और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ समथिंग, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई और एफर्ट. ठीक है, कोई इंसान एफर्ट में भी स्टेंट है, मतलब कि वो इंसान एफर्ट भी नहीं लगा रहा. ठीक है, जमीन खराब थी, उस पर हमने काम किया, हमें इफेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं मिला, तो द लैंड वॉज स्टेंट. दी वर्क आई एम डूइंग आई एम नॉट गेटिंग पेड इनफ, माई वर्क इज स्टेंट. सो लेट अस सी सम ऑफ द सिनोनिम्स. स्किम्प एंड स्कैंट. स्किम्प एंड स्कैंट का मतलब होता है कंजूस. ओके, एंड एंटोनिम्स का आ जाएगा एग्जूबरेंट जेनरस. दोनों का मतलब होता है दिलदार. दोनों, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास हम थोड़ी सी हेल्प के लिए जाते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प अस, वी कॉल देम जेनरस, एंड दे बढ़ चढ़ के हमारी हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड जेनरस पीपल. सो द यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं. दे डिडंट स्टिंट ऑन फूड एंड ड्रिंक एट देयर वेडिंग. मतलब कि किसी की वेडिंग पे हम गए और हमने बोला ना कि खाने पीने में कमी नहीं रखी थी उनने. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. सो द नेक्स्ट वर्ड इज मूट. मूट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो कि हमें नहीं सुनना होता है. इट्स इररिलेवेंट टू द आर्ग्यूमेंट, टू द डिस्कशन वन इज हैविंग राइट नाउ. ओके, मूट को हम म्यूट से याद करेंगे. म्यूट मतलब चुप रहना. मूट मतलब ऐसा पॉइंट जिसको हमें सुनना नहीं है, म्यूट कर देना है, उसको हमने सुनना ही नहीं है. इसका पहले मीनिंग रीड कर लेते हैं. सब्जेक्ट टू डिबेट डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी. ऐसे से जो पॉइंट होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट करते हैं, इसलिए इससे अच्छा है कि उन सारी चीज़ों से दूर ही रहा जाए. मूट पॉइंट इज अ पॉइंट विच इज इररिलेवेंट टू द फैक्ट एंड फिगर्स वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, हैविंग लिटिल और नो प्रैक्टिकल रेलिवेंस. इररिलेवेंट पॉइंट है. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. डिबेटेबल, डिस्प्यूटेबल, आर्ग्यूएबल, अनसर्टेन. ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जो डिबेट करवा दे, डिस्प्यूट डलवा दे. ऑब्वियसली अगर मैं किसी चीज़ के लिए टेंशन लेके किसी एक पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ, लोग आके अपनी ही बातें बताने लग पड़ते हैं, तो उससे डिबेट ही होती है, डिस्प्यूट्स ही होते हैं. तो ऐसी सी चीज़ों को भी हम एक म्यूट आर्ग्यूमेंट, म्यूट पॉइंट बोल देते हैं. सो द एंटोनिम्स विल बी डेफिनेट, सर्टेन, इरफ्यूटेबल. मीन्स ऐसे पॉइंट जिनको हम रिफ्यूज ही ना कर सकें, ऐसे पॉइंट जिनको हमें अकाउंटेबिलिटी में लेना ही पड़ेगा. इसका यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं. इट्स अ मूट पॉइंट वेदर रोहन और सोहन इज अ बेटर पर्सन. कंपैरिजन लोगों का करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हो तो इट्स अ इररिलेवेंट पॉइंट.
उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्ट। सबवर्ट मतलब किसी भी अथॉरिटेटिव चीज को, कोई इंस्टीट्यूशन हो, इंसान हो, गवर्नमेंट हो, उसको झुका देना, सबवर्ट कर देना, ओवर पावर कर लेना। इसका मीनिंग रीड कर लेते हैं, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टेब्लिश्ड सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। जैसे कि टाइम टाइम पे प्रोटेस्ट हुए हैं फॉर द इक्वल राइट, इक्वल पे, अपनी इक्वालिटी को लेकर, कुछ और चीज़ों के लिए, आज़ादी के लिए, वो सारे ही सारे प्रोटेस्टों का मतलब यही था, टू ओवर पावर, टू सबवर्ट द थिंग विच इज एग्जिस्टिंग एंड विच इज इन द अथॉरिटी। ठीक है, क्योंकि जो अथॉरिटी में है चीज़, उसके लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो चीज़ दब रही है, जो कि बहुत बहुत दिनों से अंडरमाइन हो रही है, वो उठना चाहे, सो दैट्स कॉल्ड सबवर्शन, सबवर्ट कर देना। सो इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे डिस्टेबलाइज, अनसेटल, ओवरथ्रो, ओवरटर्न। डिस्टेबलाइज मतलब स्टेबल की क्या चीज़ होती है, जो कि स्थित हो, हिल नहीं रही हो, जैसे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें चाहिए, राइट? लेकिन अगर लोग प्रोटेस्ट करने लग पड़े, जैसे अभी अमेरिका में हो रहा है, पीपल आर प्रोटेस्टिंग, सो डिस्टेबलाइज हो रही है, इकोनॉमी से लेकर उनकी नॉर्मल दिनचर्या भी डिस्टेबलाइज हो चुकी है, अनसेटल्ड है। ओवरथ्रो करना मतलब किसी को एक स्थान से गिरा देना, ओवरटर्न कर देना, कि पाथ ही बदल देना, मुंह फेर लेना, या फिर होता है ना, एक चीज राइट को चल रही है, उसको टर्न करवा देना। इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे बोल्स्टर, एनहांस, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ एग्री कर जाना, हम्बलनेस के साथ एग्री करना, प्यार से एग्री कर लेना, विदाउट एनी रेजिस्टेंस कंप्लाई कर जाना, मान जाना। ओके, यूज एंड सेंटेंस देख लेते हैं। द मैन वॉज सेट सेंटेंस टू 10 years फॉर प्लॉटिंग टू सबवर्ट द गवर्नमेंट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कि कोई भी चीज़ वो सर्टेन ना हो, कोई भी चीज़ है जो कि इतनी अनक्लियर है कि वो कन्फ्यूज कर दे। किसी किसी की बातें कन्फ्यूजिंग होती हैं, किसी किसी की लैंग्वेज कन्फ्यूजिंग हो सकती है, किसी किसी की हरकतें हो सकती हैं कन्फ्यूजिंग, है ना? इसका एक बार मीनिंग रीड कर लेते हैं। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एम्बिगुअस, यू मीन दैट इट इज अनक्लियर, कन्फ्यूजिंग, बिकॉज इट कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे। ये एक मीनिंग होता है, एंड दूसरा ये होता है कि कन्फ्यूज हो जाना एंड कुछ समझ ही ना आना। जैसे ये एक फोटो है, इस पर लिखा हुआ वन वे, लेकिन दो एरोज बने हुए हैं दोनों तरफ, सो इट्स कन्फ्यूजिंग, इट्स अ एम्बिगुअस पिक्चर। जैसे कि हमारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एम्बिगुअस, बिकॉज वन कैन इंटरप्रेट देम इन मोर देन वन वे। एम्बिगुटी इज अ वेरी नोन टर्म, जिसकी वजह से हम जिसको हम पढ़ते हैं। ओके, इसके सिनोनिम्स आगे क्रिप्टिक, डार्क, इग्नोमैटिक, इवोकल, ऑब्स्क्योर एंड वेक। ओके, क्रिप्टिक मतलब कि कोई भी चीज़ जिसको हमने कोड में लिखा हुआ है, क्रिप्ट कर दिया है, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जिसको। डार्क हम तब यूज़ कर सकते हैं एम्बिगुअस में, अगर कोई चीज़ मतलब कुछ और है, लेकिन उसको हम छुपा छुपा के उसका मतलब कुछ और बताना चाह रहे हैं। इग्नोमैटिक का मतलब होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, पजलिंग है, मिस्टिफाइंग है। इवोकल का मतलब होता है कोई लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर लैंग्वेज से रिलेटेड हमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है टू अंडरस्टैंड, देन इट इज़ अ इक्वोवोकल एम्बिग्विटी। लाइक अगर मैं इंडियन हूँ एंड मैं स्पेनिश सुन लूँ, तो वो मुझे समझ नहीं आएगी, राइट? मैं कन्फ्यूज हो जाऊँगी। एंटोनिम्स में देख लेंगे एक्सेसिबल, क्लियर, नॉन एम्बिगुअस, ऑब्वियस, प्लेन, अनएम्बिगुअस, अनइवोकल। लाइक अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ, सामने वाला भी हिंदी बोल रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली, देन इट इज अनइवोकल। यूज इन सेंटेंस देख लेते हैं। द एग्जैक्ट रीजन फॉर द चेंज इन प्लान्स इज एम्बिगुअस, बट आई सस्पेक्ट इट हैज समथिंग टू डू विद द मनी। ओके, कोई प्लान बन रहा होगा एंड इट चेंज, वो कैंसिल हो गया, ठीक है, लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं शायद से पैसे की कमी की वजह से। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी आपके डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, विल गेट बैक टू यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।